तो सबने अपने गोल्स तैयार करे हुए हैं, बीच में मैंने सेशन भी लगाया था, सारे थे उसमें, कौन नहीं था? रेजर हैंड्स, जो बीच में अभी सेशन लगाया था, आप नहीं थे, बाकी सारे थे। अच्छा, तो गोल्स वगैरह तैयार हो गए कुछ के नहीं? हाँ नहीं हो गए? क्या गोल है? आईएएस की प्रिपरेशन करनी है। ओके, आईएएस की आइल्स, आईएएस। ओके, आजकल दोनों सुनने में सेम लगते हैं ना। अच्छा, फिर गोल्स को लेकर के कंफ्यूज्ड कौन है इस टाइम? क्या हुआ? नहीं, माइक। गोल्स को लेके कंफ्यूज्ड कौन है बोलो? क्या कंफ्यूजन है? सर, मैंने एक तो मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों साथ में ले लिए, तो अभी कंफ्यूजन है कि मैथ्स को आगे कंटिन्यू करूं कि बायो को। अब मैथ्स अच्छा लगता है कि बायो? मैथ्स। बस फिर डिसीजन निकल आया सामने? निकल तो आया सर, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं मैथ्स क्यों लिया था। मैथ्स क्यों लिया था? आपको मैथ्स अच्छा लगता है? यस, इसीलिए लिया था। एक्चुअली मैंने लेट लिया था, प्लस टू के मिड में लिया था। अच्छा, तो अब समझ में आ रहा है मैथ आपको अच्छे से? उसमें प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं नहीं। देखो, जो हमें अच्छा लगता है ना, हमें वही कर लेना चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को पेरेंट्स कह रहे हैं मेडिकल कर ले तो मैं मेडिकल कर लूँ, मेरे फ्रेंड कह रहे हैं कमर्स कर ले तो मैं कमर्स कर लूँ, है ना। आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आपको उसी सब्जेक्ट में अपना हुनर बनाना चाहिए, है ना। अगर आपको लग रहा है कि मैथ और बायो दोनों में मेरे को मैथ ज़्यादा अच्छा लगता है, बायो मेरे को कम अच्छी लगती है, तो आपको मैथ के साथ अपना हुनर बनाना चाहिए। एटलीस्ट कल को हम किसी को दोष तो नहीं देंगे कि मैं फलाने की वजह से ये लिया था, है ना। फिर सारी उम्र हम उन्हीं को दोष देते रहेंगे, हम पेरेंट्स को दोष देते रहेंगे कि मेरे से बायो नहीं हुई, आप ही ने तो दिलवाई थी, है ना। एटलीस्ट दोष देने वाली उंगली सिर्फ हमारे पे तो रहेगी कि मेरा ही डिसीज़न था। और जब डिसीज़न आपका होता है तो हम उस हिसाब से मेहनत भी करते हैं, उस हिसाब से अपने ऊपर हम इन्वेस्ट भी करते हैं, है ना। बैठो, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? यू नो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? दो तरह के लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक होता है वो अपने आप पे इन्वेस्ट करता है, है ना। एक होता है वो दूसरों पे इन्वेस्ट करता है। अपने आप पे हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं? जैसे ये कह रही थी कि मेरे को मैथ लेना है, तो ये अपने आप पे इन्वेस्ट कर रही है। अगर ये दूसरों पे इन्वेस्ट करे, उसका मतलब है दूसरा कह रहा है कि चल तू मेडिकल कर ले, चल तू कमर्स कर ले, इसका मतलब है ये दूसरों पे इन्वेस्ट कर रही है, अपने आप पे इन्वेस्ट हम उस टाइम नहीं कर रहे हैं। दो तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले वो अपने आप पे इन्वेस्ट करते हैं और बाद में खर्च करते हैं जो बच जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सारा कुछ एक ही बारी में अपने आप पे इन्वेस्ट कर देते हैं, जब खर्चने की बारी होती है तब अल्ले पल्ले कुछ नहीं होता, टाइम निकल गया होता है, अब मैं क्या करूं, फिर कंफ्यूजन हो जाती है लाइफ को लेकर के, है ना। फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, बड़ी सारी चीज़ें होने लग जाती हैं, फिर लाइफ अच्छी नहीं लगती, है ना। इसीलिए मैं हमेशा कहता होता हूं कि वो करो जो आप करना चाहते हो, वो मत करो जो दुनिया आपसे कराना चाहती है। समझ रही है मेरी बात को? संदीप तू उधर जाए, मेरे सामने ना खड़ी हो, है ना। ऐसे ही होता है ना, हमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने आप पे करनी चाहिए, हमें दूसरों पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? अपने ब्रेन पे इन्वेस्ट करना, है ना, अपने दिमाग पे इन्वेस्ट करना कि मेरे को क्या अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है वो कर लेना चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है कि एक छोटी सी चीज़ होती है, लोग कहते हैं कि सर आप तो कह रहे हो कि जो अच्छा लगता है वो कर लेना चाहिए, है ना। आप कोई सोच रहा होगा कि सर मेरे को शूज़ पॉलिश करने बड़े अच्छे लगते हैं, अब क्या मोची बन जाऊँ? नहीं, एक शूज़ पॉलिश करने वाला भी मोची नाइक और रिबॉक बन सकता है, एक हलवाई भी डोमिनोज और KFC बन सकता है। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बड़ी छोटी होती है हमारी सोच। अपनी सोच को बदलो, इसीलिए जो अच्छा लगे उसको कर डालो, उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अपने आप नहीं होने वाला, उसकी बार 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 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। कई बारी हम क्या सोचते हैं, मैं निकलूं, मेरे को रास्ते में कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, है ना,
मेरे को 5 करोड़ का बैग मिल जाए, ये नहीं होने वाला। अपने आप आपको घर पे गवर्नमेंट जॉब जो है वो नहीं मिलने वाली, या अपने आप आपको अच्छी प्राइवेट जॉब नहीं मिलने वाली। आपको उसके लिए कैपेबल बनना पड़ता है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। इसीलिए जो अच्छा लगे वो करा करो, ठीक है। और किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई और कुछ पूछना चाहता है, कोई मन में सवाल हो, कोई डाउट हो कि मैं लाइफ में क्या करूं, मैं ये कर रही हूं, मैं वो कर रही हूं पर हो नहीं पा रहा, होता है ना मन में कई बार ऐसा बड़ा सारा सवाल हमारे पास होता है ना। प्रॉब्लम इज दैट आपकी इंस्टाग्राम की रील्स आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, आपकी फेसबुक की रील्स आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, वो आपको वहीं पर स्टॉप करके बैठी हैं, है ना। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों में अटक करके बैठ गए हैं। आगे बढ़ना है तो रील्स का एक टाइम रख लो, ठीक है, दिन में 5-10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा देख ली, पर सारा दिन देखी जाना है ना उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कभी आपका भला नहीं होने वाला। आपका भला तब होगा जब आप अपने अंदर की कला को बाहर निकालोगे और उस कला की बार बार प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करोगे कामयाबी मिलेगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी, है ना। ज़िंदगी में कुछ ऐसा हमें करना चाहिए कि हम पैसे के लिए काम ना करें, पैसा हमारे लिए काम करे, है ना। बड़ा टाइम हो गया फादर के पैसे पे ऐश कर रही, अब कुछ ऐसा करने का टाइम आ जाता है कि हम पैसे कमाएं और फादर हमारे पैसे पे ऐश करें। ज़िंदगी में ये सोच लेकर के चला करो, आपको कामयाबी मिलेगी, है ना। इन्वेस्ट करो, सबसे मेन चीज़ अपने टाइम पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि टाइम से वैल्यूएबल कोई चीज़ ऊपर नहीं होती है, है ना। अपने टाइम पे इन्वेस्ट करो कि आपने किस टाइम पे क्या करना है, किस टाइम पे क्या पढ़ना है, किस टाइम पे क्या रील्स देखनी है, किस टाइम पे क्या देखना है, किस टाइम पे क्या खेलना है, है ना। हर चीज़ पे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करो। ये नहीं है कि सारा कुछ एक ही चीज़ पे ठोसी जा रहे हो मोबाइल्स पे, है ना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में, ठीक है। नहीं, और कोशिश किया करो आपके अंदर जो भी कला है उस कला को ऐसे इंसान से मत पूछा करो जिसको खुद को कुछ नहीं आता, है ना। हम प्रॉब्लम कहां फंस जाते हैं, फलाने इंसान ने किया कुछ नहीं होता, हम उससे सलाह ले रहे होते हैं कि मैं क्या करूं। भाई वो खुद तो जिंदगी में कभी कामयाब हो नहीं पाया, वो तुम्हें क्या कामयाब करेगा। फिर हम वो क्या करते हैं, वो कईयों के पास जाते हैं, अपना हाथ सा दिखाते हैं, मेरे हाथ की लकीरों में कामयाबी है। उसके खुद की तो लकीरों में कामयाबी आई नहीं, वो तुम्हारी लकीरों में कामयाबी क्या लाएगा। हाँ, उसके खुद के पास तो एक चेतक स्कूटर होता है ना, वो तुम्हें मर्सिडीज क्या दिलाएगा। कभी दिमाग से सोचो कि वो तुम्हें खुद मर्सिडीज क्या दिलाएगा जिसके पास खुद ही कुछ नहीं है। फिर वो तुम्हें उपाय बताता है, फलाना कर लो तुम अमीर बन जाओगे। नहीं बनोगे इस तरह से अमीर, इस तरह से सफल नहीं होगे। वो बैठे होते हैं कई, वो सड़क पे वो लगा के घोड़े की क्या होती है उसको, नाल बेच रहे होते हैं, ये नग पहन लो अमीर बन जाओगे, है ना, 10-10 रुपए के बेच रहे होते हैं। वो खुद तो कामयाब हुआ नहीं, जबकि हज़ारों वो नग लेके बैठा हुआ है, वो खुद तो हुआ नहीं कामयाब, खुद तो वो धरती पे बैठा है, तुम्हें क्या कामयाब करेगा। अपनी सोच को बदलो, है ना, अपनी सोच को बदलो। हम लोग झाड़ा सा पवाना शुरू कर देते हैं, आज ही मैं अमीर हो जाऊंगा, मेरे अंदर का भूत निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। कामयाबी मेहनत से मिलती है, कामयाबी काम करने से मिलती है, ठीक है। ये आम लोग आपको ये ऐसे कामयाबी नहीं दिला सकते कि आप बोलो कि मेरे ऊपर कोई इस तरह का कोई कर देगा और मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ऐसे नहीं होता कभी भी, समझे। कामयाबी हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है, है ना। कोई कुछ पूछना चाहेगा और तो जिंदगी में कभी भी हौसला नहीं हारना, किसी का हौसला गिराया मत करो, कोशिश किया करो हौसला बढ़ाओ। अगर आप किसी का हौसला बढ़ाते हो तो अपने अंदर भी हौसला बढ़ जाता है। अब मैं तुम लोगों को हौसला बढ़ाने आया ना, मैं तुम्हारा तो बढ़ाने आया, अपना भी बढ़ाने आया कि अगर मैं कहीं डाउन जा रहा हूं तो किसी का हौसला बढ़ा के मैं भी अपना शुरू हो जाऊं, है ना। सलाह तो सारे देते हैं पर मजा तब है जब अपने वकील खुद बन जाओ, है कि नहीं है। तो इसीलिए कभी भी लाइफ में घबराना नहीं है, डरना नहीं है,
हमेशा लाइफ को खुशी से जिया करो, लाइफ को ये सोच समझ के जिया करो कि मैंने ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना है। कभी ये नहीं ज़िंदगी में सोचना कि मैं अपने पापा के पैसों पे ऐश करूं, मैं अपने भाई के पैसों पे ऐश करूं, मैं अपने हस्बैंड के पैसों पे ऐश करूं। नहीं, आपको अपने पैरों पे खुद खड़े होना है। आप बड़े हो रहे हो, कल को आपकी मैरिज भी होनी है ना, तो कोशिश यही करनी है कि हम लोग हाउसवाइफ ना बने। घर के काम तो करें, पर सिर्फ घर के ही काम ना करें। हमें इतना हमारे अंदर हुनर होना चाहिए कि हम खुद भी कुछ अर्निंग कर पाएं, अच्छी अर्निंग कर पाएं, और अपना खर्चा हम खुद उठा पाएं, है ना। लगा दो जोर, चक दो फट्टे, है ना, दिखा दो सारी दुनिया को, सारे रिश्तेदारों को कि आप सब कुछ कर सकते हो। करके दिखाओगे? तो कभी भी घबराहट आने लग जाए, कभी भी कोई परेशानी आने लग जाए, हिम्मत नहीं हारनी है। और कोशिश किया करो, जो ये बुक्स होती हैं ना, कौन सी बुक्स, मैं ये इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस की बात नहीं कर रहा, मैं कौन सी बुक्स की बात कर रहा हूँ, मैं उन बुक्स की बात कर रहा हूँ जो बुक्स होती हैं, आपको आगे लेकर के जाती हैं, सफल बनाती हैं, है ना, कि अपना करियर कैसे बनाएं, बिजनेसमैन कैसे बने, है ना, या फलानी जॉब के लिए इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। ऐसी तरह की बड़ी सारी बुक्स होती हैं, अपने आप पे इन्वेस्ट करो, उनको बोलते हैं अपने आप पे इन्वेस्ट करना। ऐसी बुक्स पढ़नी स्टार्ट कर दो, है ना, दिन में 2 पेज, 4 पेज, जितने पढ़े जाएं, 5 पेज जितने पढ़े जाएं पढ़ो। हाँ, अगर मार्केट से बुक परचेज करने के पैसे नहीं ना है तो मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना एक मैसेज, बोलना कि सर सेंड मी सम बुक्स, मैं आपको PDF भेज दूंगा, वो मोबाइल पे पढ़ो। जिन लोगों ने इन बुक्स को पढ़ने की आदत बना ली, कामयाबी मिलेगी मिलेगी, पक्का मिलेगी, उसको कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि उनमें बहुत बड़ी लर्निंग होती है। समझे? तो थैंक यू सो मच। किसी को कोई डाउट हो, जब मर्जी आप मेरे से पूछ लेना। डन? सुबह में काम करेंगे, थोड़े जोश के साथ हम बोलेंगे आई कैन, आई मस्ट, आई विल बी विनर। डन? जब मैं बोलूंगा आई कैन तो आप भी बोलोगे आई, जब मैं बोलूंगा आई विल तो आप भी बोलोगे आई, जब मैं बोलूंगा आई विल बी विनर तो आप भी बोलोगे आई विल बी, और खड़े होके बाउंस करेंगे, ठीक है। आई कैन, आई मस्ट, आई विल, आई विल बी विनर। चलो।